हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 1975 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली डीप्लीक्वेश के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीनस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोटोज एंड गूगल के यूजर्स की जेनेब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड धन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉक में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्प्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीन इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जानवर से रेटिंग के बारे में जस डैल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डैल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डेल की जन्म से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होते तो, तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कम्प्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जिसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाय रोट एन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाएं एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तमान तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जन से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की जनफ से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जेने से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो तो था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी

प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्रीमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हमें आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवनिटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग का मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिल इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इनफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसलाइक किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली डिप्लिक्वेशन के बारे में जैसा की इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे किस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाय रोटन टमाटो एंड गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई आर तो टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई को भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इफॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को आज किस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉक कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीज इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तवा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डेल की जन्म से 1975 के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना हनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पे रिलीज़ किया गया मीनस किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमा घरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को इंडिया में रिलीज़ हुई मीनस चौबीस जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमा घरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करो यूनियप जिस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीनस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मतबाब तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आगे उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे किस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटेन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जानवर से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आल क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो और आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंड उनके के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीन इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ड डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस्ड डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोटो एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानव से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन लेता था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस

प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हमें आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्हों इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तक तकबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अ कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जाकर उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इफॉर्मेट वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाँ। हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेट साबित हो सकती है जस्ट लाइक एक किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे किस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटे एंड गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो ईजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जेनर क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉक कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जेनर के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड उ के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डेल की जन्म से 1975 के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टोमाटो एंड गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के राइटर कौन होता था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सीनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना हनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीनस किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीज़ का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ यूनिट रुपीज इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट जैसलाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटे एंड गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जेनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे छप्पन मिनट में होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तव्य तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डैल की जब से रेटिंग के बारे में जस डैल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस्ड डैल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जन से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर कौन होता है और यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत जबरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर है एंड कम्पोजर है जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी

प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्रीमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के समाग्रहों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग का मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करो इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए आप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचे रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसा किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जिसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली डीप्लीस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे किस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट रोटेन रोटन एंड गूगल के यूजर्स की जेनेप्स मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो ईज़िली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तमान तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत जबरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना हनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान महरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर मूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सर्माघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कम्प्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट एंड गूगल के यूजर्स की डाय रोट एन टमाण गेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों लो, लो को क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जेनर क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टॉक में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्बा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीन इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जेमी इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोडन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होते तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना हुनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आल टू आल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को, को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो हाँ। दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसला किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे किस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटन टमाटो एंड गूगल के यूजर्स की जेनेर से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई को भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंडोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तमान तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जे से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फ़िल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हमें आपको बता देता हूँ कि ये मूवी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को इंडिया में रिलीज़ हुई मीनस चौबीस जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड 75 के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड इंडियन रूपीज़ इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मतबाब तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आगे उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट रोटेन रोटाटो एंड गूगल के यूजर्स की जानवर से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोग को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंडोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लिजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे छप्पन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ आल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डल की जन्म से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एट्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो, तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत जबरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फ़िल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हमें आपको बता देता हूँ कि ये मूवी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को इंडिया में रिलीज़ हुई मीनस चौबीस जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड 75 के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ यूनियज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीनस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जाकर उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जिसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ डिप्लीस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटेन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जनेब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों लो के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इंफॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं सके हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जेनर क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी था कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जैनर के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरुपा रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टॉकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीस इस, इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम कम से एक तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस्ट डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस्ड डेल की जनफ से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के राइटर कौन होता तो, तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोगाफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फ़िल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग का मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कैक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकीबन पाँच गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम ज़रूर एक मरतबा तो ज़रूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आके उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट जैसा ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोट टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों लो के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो ईजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं सकते हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये ज़बरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डल की जन्म से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटो एंड गूगल के यूजर्स की, की जन्म से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के राइटर कौन होता है तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सेनामेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सेनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सर्माघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ यूनिट रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिल इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ डीपली क्वेश्चंस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जानवे से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू क्वेश्चंस जो है हम लोग आप लोगों लो के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंड उनके के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीन इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम कम से एक वर्तबात तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जब से रेटिंग के बारे में जस डैल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डैल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनफ से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन और गूगल के यूजर्स की जानम से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल मूवी की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सर्मागरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग का मींस 1975 के अंदर इन्हों इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करो इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली डीप्लीस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोट एन एंड गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गए? तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्प्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जानवर से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डल की जन्म से 1975 के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होते तो तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन सेवेंटी फाइव को इंडिया में रिलीज़ हुई मीनस चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचहत्तर को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी फाइव के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो जैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ यूनिट रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो ज़रूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ डीपली क्वेश्चंस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाय रोट एन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जानवर से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है एंजॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जेनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉक में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस, इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक बर्तव्य तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जन से एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोजो एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानवर से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो तो था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोज़र हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड इंडियन रूपीज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आगे उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इनफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डोटाटो एंड गूगल के यूजर्स की जेने से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंडोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लिजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस डैल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डल की जन्म से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज गूगल के यूजर्स की, की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो, तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत जबरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे दिखा जिन्होंने इस मूवी की सेनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फ़िल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हम आपको बता देता हूँ कि ये मूवी ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन सेवेंटी फाइव को इंडिया में रिलीज़ हुई मीनस चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचहत्तर को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघर में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी फाइव के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन पीज इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जाकर उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जिसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ डिप्ली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जनेब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों लो के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इफॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जेनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी था कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जैनल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तव्य तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीन इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जैन इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के राइटर कौन होता तो, तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीनस किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमागर में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीज इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जानवे से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाएं एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो ईजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जेनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ आल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस्ट डैल की जनफ से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डल की जन्म से 1975 के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटो एंड गूगल के यूजर्स की, की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के राइटर कौन थे था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सेनामेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सेनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ यूनियन रुपीजी इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट जैसलाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटे टमाण गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई आर तो टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों को के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जेनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंड के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस, इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्प्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे छप्पन मिनट में होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तबाव तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डैल की जब से रेटिंग के बारे में जस डैल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस्ड डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनफ से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जैन से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर कौन होते थे यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर है जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस

प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्रीमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सर्मागरों में लगा दिया गया था आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीज़ का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग का मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करो इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए आप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचे रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जिसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली डिप्लिक्वेशनस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोट एन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जेनेब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो ईज़िली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी स्टॉट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलू इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीन इस, इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्पलीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तमान तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जनम से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो था यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत जबरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना हनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ पुरान मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर मूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सर्माघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कम्प्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पे इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मींस आईएमडीबी के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डोटाटो एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों लो, लो को क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो तो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंटोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टॉक में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तमान तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड तो ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोडन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानवर से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होते तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमामेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी

प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीन्स आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग का मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग का इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तरीबन पाँच छः गुना ज्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और आपके लिए आप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इनफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाँ। हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक एक किस तरह की मूवी बनाई गई मीज इसका जेनर क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली डिप्लिक्वेशन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि यह मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीन आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं, हैं साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीस इसका जनरल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंडोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉक में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक वर्तमान तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीनस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जन से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड ओ के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जे से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानब से भी इस मूवी को जो है एटी फोर परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना होनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फ़िल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हमें आपको बता देता हूँ कि ये मूवी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को इंडिया में रिलीज़ हुई मीनस चौबीस जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड 75 के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही जबरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड इन रूपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन गेन किया मीन जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक जबरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम जरूर एक मतबात तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इंजॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आगे उनको भी ऐसी इन्फ, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस सौ पचहत्तर में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीज इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डायल रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जानवे से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई दी गई तो आर टू आल क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मिल जाएं एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को एंजॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो इजिली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं सके साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जेनर क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूप रॉय एंडोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टॉक में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलो इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस, इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कम्पलीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कम्प्लीट हुई मतलब दो घंटे एंड छप्पन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक बर्तव्य तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीन इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आईएमडीबी की जन से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जन से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस् डेल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ड डेल की जनब से नाइनटीन के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोजो एंड गूगल के यूजर्स की जैन इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कम्पोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन राय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस

प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर त्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए हमें आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी 1975 को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मींस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तक तकबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अ कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जाकर उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इफॉर्मेट वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाँ। हेलो दोस्तों अगर आप भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक एक किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जनरल क्या था इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कुछ डीपली अपिक्वेशनस के बारे में जैसा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे राइटर कौन थे डायरेक्टर कौन थे एंड स्पेशली इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस कितना इसने गेन किया एंड बजट कितना लगाया गया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकोगे कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई तो आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं एंड उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ हिंट्स के तौर पर इस मूवी की रेटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या रही मीस आई के ऊपर लोगों ने इसको कितने परसेंट तक लाइक किया एंड उसी के साथ साथ जस्ट डाल रोटेन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जानवर से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई गई तो आर टू आर क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई भी मूवी जो है देखने से पहले एक दफा आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोग इस मूवी को देखने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ये मूवी को जो है इन्जॉय करें अदरवाइज आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो किसी भी मूवी को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को विजिट किया कीजिए ताकि आप लोगों को उस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मिल जाए एंड देन अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप लोग उस मूवी को इन्जॉय कीजिए एंड अगर आप लोगों को लगे कि ये मूवी उस काबिल नहीं है कि आप लोग इस मूवी को देखो तो आप लोग उस मूवी को स्किप करके कोई भी न्यू मूवी जो है फाइंड आउट कर सकते हो ईजीली हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी दीवार के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इसका जेनल क्या था टाइम ड्यूरेशन क्या थी स्टॉक में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जेनर के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड क्राइम बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के कास्ट में अमिताभ बच्चन शशि कपूर नीतू सिंह परवीन बाबी सुधीर जी निरूपा रॉय एंडोनी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की के साथ साथ मैं आपको बताता इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा मीनस इस मूवी को जो है ये मूवी कितने वक्त में कंप्लीट हुई तो मूवी राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स में कंप्लीट हुई मतलब दो घंटे छप्पन मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी थी जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेटिंग के बारे में मीस इस मूवी को रेटिंग क्या दी गई तो फर्स्ट ऑफ आल हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस डैल की जनब से रेटिंग के बारे में जस डेल पर इस मूवी को क्या रेटिंग दी गई तो जस् डेल की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग दी गई वो थी यहाँ पर एट आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को जस्ट डेल की जन्म से 1975 के अकॉर्डिंग एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज एंड गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज की जानब से इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक लाइक किया गया एंड गूगल के यूजर्स की जानव से भी इस मूवी को जो है 84 परसेंट तक ही लाइक किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को इन दोनों की जानव से एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डीपली क्वेश्चन के बारे में जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर यशराज चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन को संभाला एंड यशराज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते हो कि ये इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन होता तो, तो यहाँ पर सलीम जावेद जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्टोरी लाइन को राइट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया के स्क्रीन राइटर हैं एंड कंपोजर हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर गुलशन रॉय आपको यहाँ पर जो है इस मूवी का प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जो कि इंडिया के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर के जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला एंड अपना हूनर इन्होंने इस मूवी के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया उसी के साथ उसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल मूवीज की एडिटिंग को जो है संभाला एंड उसी के तो टी आर मंगेशकर जी एंड उन्हीं के साथ साथ प्राण मेहरा जी आपको इस मूवी के एडिटर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर थ्री मूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला एंड जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को किस डेट पर रिलीज़ किया गया मीन्स किस दिन ये मूवी जो है इंडिया के सिनेमाघरों में चल रही थी लोग आप यहाँ पर जो है इस मूवी को देख रहे थे एंड उसी के साथ साथ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी 24 जनवरी 1975 को इंडिया में रिलीज़ हुई मींस 24 जनवरी उन्नीस को इस मूवी को इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दिया गया था आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की किस कंट्री में इस मूवी को रिलीज़ किया गया एंड कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई तो ये मूवी जो रिलीज़ की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिलीज़ की गई एंड सेवेंटी के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा ना तो किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया और ना ही बाद में इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस का होता है कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने कितना लगाया और कितना कमाया आप लोग इस मूवी को अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मीनस आपको देखनी चाहिए या नहीं तो बजट की बात कर ले तो यहाँ पर इस मूवी तो बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस का मींस बहुत ही ज़बरदस्त बजट था इस मूवी का 75 के अकॉर्डिंग मींस 1975 के अंदर इन्होंने इस मूवी के लिए 1.3 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि नाइनटीन के अकॉर्डिंग इस मूवी ने यहाँ पर बजट इतना ज़्यादा लगाया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही कमाल का गेन किया था तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव करोड़ इंडियन रुपीज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया मीस जितना लगाया उससे तकरीबन पाँच छः गुना ज़्यादा इन्होंने जो है गेन कर लिया तो ये एक ज़बरदस्त मूवी थी सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम ज़रूर एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए एंड ये मूवी आप लोग अपनी फैमिली के साथ इजिली इन्जॉय कर सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिटेल शेयर कर दी है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी इस इनफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह